गाइस अब हम लोग देखते हैं नोटेबल स्कॉलर्स जिन्होंने क्या हुआ स्टडी की हिस्ट्री से रिलेटेड और कुछ ऐसा रेटिंग में हमारे लिए छोड़ा है जिससे हम लोग स्टडी करते जा रहे हैं हिस्ट्री की आज भी। सो वेरी फर्स्ट नेम जो इसमें आता है दैट इज रेने डी स्क्रोस्टस। ओके सो रेने डी स्क्रोस्टस जिन्होंने की सबसे पहले स्कॉलर मतलब सबसे पहले इन्होंने हिस्ट्री के ऊपर स्टडी की और सबसे पहले इन्होंने कुछ राइटिंग में हमारे लिए एक बुक छोड़ी जिससे कि हमारे स्टडी करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुए हमारे लिए। ये 1596 से 1650 तक ये थे जिन्होंने रेने डी स्क्रोस्टस इन्होंने हिस्ट्री में कुछ स्टडी की है इम्पोर्टेंटली हमारे लिए। ठीक है सो इन्होंने जो हिस्ट्री के ऊपर स्टडी की इनका सबसे पहला जो प्रिंसिपल जो ये यूज करते थे हिस्ट्री की स्टडी के टाइम दैट वेरीफाइंग द रिलायबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बाय क्रिटिकली एग्जामाइन देम। उनको जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मिलते थे उनको क्या करते थे वो वेरीफाई करते थे कि क्या रिलायबिलिटी है उस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट की मीन्स क्या वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट सच में को हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है या नहीं। तो इन्होंने इसके ऊपर सबसे पहले स्टडी की सबसे ज़्यादा स्टडी की उनको क्रिटिकली एग्जामाइन करके ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामाइन करके उन्होंने क्या किया हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया। इनकी बुक आई थी डिस्कवर ऑन द मेथड ठीक है डिस्कोर्स ऑन द मेथड ये इनकी बुक है दैट इज डिस्कोर्स ऑन द मेथड। तो इसके अंदर इन्होंने ये चीज बताई है कि इन्होंने किस तरह क्रिटिकली एग्जामाइन करके सारी चीजों को मतलब हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को इन्होंने क्या किया है एग्जामाइन किया है क्रिटिकली देन उसकी रिलायबिलिटी को वेरीफाई किया है राइट। इनका जो मानना है इनकी थिंकिंग प्रोसेस जो इनकी बुक के अंदर दिखी है दैट इज इनका मानना यह है कि नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल द ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड। ठीक है किसी भी चीज को ट्रू तब तक नहीं मानना जब तक डाउट से रिलेटेड उसमें 0% भी कुछ भी चीज है। सो क्रिटिकली एग्जामाइन करके जब पूरी तरह से डाउट सारे क्लियर हुए तभी इन्होंने किसी भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को क्या किया वेरीफाई किया। सो दैट इज अ प्रिंसिपल के नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट्स आर एक्सक्लूडेड। ठीक है तो इन्होंने ये एग्जामाइन किया दैट इज 17th century में बहुत पहले सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया स्टडी करना इन द साइंस फील्ड। तो नोटेबल स्कॉलर में इनका नाम आता है देन मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी आती है यहाँ तक ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी चलती थी 18th century के इंटर होते ही मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी स्टार्ट हुई। वॉल्टेयर द बिग नेम फॉर दस वॉल्टेयर का नाम हमेशा आता है जब भी हिस्टोरियोग्राफी की बात होती है 1694 से 1776 आफ्टर 1700 18th century स्टार्ट हो गई। वॉल्टेयर ने 18th सेंचुरी में जब यूरोप में फिलोसॉफी साइंस पूरी तरह से बढ़ चुका था सबसे आगे पहुंच चुका था देन स्टार्ट हुआ हिस्ट्री से रिलेटेड बात और हिस्टोरियोग्राफी में वॉल्टेयर ने सबसे ज्यादा काम किया। वॉल्टेयर की ट्रूथ एंड वॉल्टेयर की जो पूरी स्टडीज थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी तो इट्स बेस्ड ऑन द ट्रूथ एंड कॉर्नियोलॉजी ऑफ हिस्टोलॉजिकल इवेंट। जो भी हिस्टोलॉजिकल इवेंट हुए हैं उनकी कॉर्नियोलॉजी और ट्रूथ इन दोनों के ऊपर इन्होंने काम किया। ठीक है इनका पूरा नाम जो है वो बताया हुआ है दैट इज फ्रांसिस्कोस इज मार्सी एरोजेट। ओके सो फ्रांसिस्को नाम है वॉल्टेयर के नाम से पूरी दुनिया इन्हें जानती है। इनके जो मोस्टली जो सारी चीजें इन्होंने स्टडी की हिस्टोरिकल इवेंट के बेस पे वो मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी स्टडी जो होती थी दैट इज क्रोनोलॉजी ऑफ सोशल ट्रेडिशन ट्रेड इकोनॉमी एग्रीकल्चर यानी एंसेंट पीरियड में किस तरह से लोग एग्रीकल्चर करते थे किस तरह से लोग रहते थे इकोनॉमी उनकी कैसे चलती थी कि वो ट्रेड कैसे करते थे बाटा सिस्टम में करते थे या फिर कुछ और सिस्टम था वो किस तरह से कामकाज करते थे इनके ऊपर वॉल्टेयर ने बहुत ज़्यादा स्टडी की। सो द अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्केप्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इंपॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री। इन्होंने जो बताया है ट्रूथ दैट इज इनके जो प्रिंसिपल है इनको बताना है कि ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ जो है वो उसकी स्टडी बहुत जरूरी है अगर हिस्ट्री राइटिंग आप कर रहे हो तो आपको ह्यूमन लाइफ की पूरी स्टडी करनी बहुत जरूरी है मींस फिलोसॉफी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हिस्ट्री आल्सो राइट। तो हिस्ट्री राइटिंग के लिए फिलोसॉफी का पूरा पूरा पार्ट लेना जरूरी है। इसी बेस पे इन्होंने स्टडी की इसीलिए इन्होंने जब स्टडी की तब इन्होंने कोई भी एक पार्ट के नहीं हिस्टोरिकल इवेंट के साथ साथ इन्होंने सोशल ट्रूथ सोशल ट्रेडिशन सोशल ट्रेड सोशल इकोनॉमी एंड एज वेल एज क्या किया इन्होंने एग्रीकल्चर सारे सेक्टर्स के ऊपर पूरी स्टडी की एंड देन इन्होंने बताया। सो इन्हें क्या कहा जाता है फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोलॉजी भी कहा जाता है जो कि मॉडर्न हिस्टोलॉजी जो है इसके फाउंडर वॉल्टेयर को कहा जाता है। सो हिस्टोरियोग्राफी के ठीक है इस तरह से इनकी स्टडी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई सभी के लिए और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वॉल्टेयर की स्टडी के बेस पर ही फिर आगे जितने भी लोग होते गए इन्होंने
इन्हीं से इंस्पिरेशन लेते हुए हिस्ट्री में और आगे आगे काम किया, और आते जाते जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे हिस्ट्री जो है उस पर और ज्यादा काम चालू हुआ। तो फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी इज वोल्टेयर। नाउ विल टेक द थर्ड नेम, दैट इज जॉर्ज विल्सन हेगल। सो हेगल के नाम से जिन्हें जानते हैं, हेगल इज अ जर्मन फिलोसोफर जिन्होंने हिस्ट्री में बाद में स्टडी की और हिस्टोरियोग्राफी पे बहुत सारा काम किया। सो जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल जो कि 1770 से लेके 1820 तक इन्होंने स्टडी की। मोस्टली दे आर नोन विद द हेगल, जो इनका नेम है हेगल इज अ जर्मन जर्मन फिलोसोफर। इनकी पूरी की पूरी स्टडी बेस्ड होती थी लॉजिकल मैनर पे। अभी तक हमने देखा यहां पर पूरा बेस क्या था, जब तक एक भी डाउट है इसको ट्रुथ नहीं माना जाता था, तो इन्होंने क्रिटिकली एग्जामाइन किया एविडेंसेस को और जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट जो हिस्टोरिकल आर्टिकल थे उनको क्या किया, रिलायबिलिटी उनकी क्या की, वेरीफाई की। यहां पर वोल्टेयर ने क्या किया, वोल्टेयर ने पूरी पूरी स्टडी करनी है, मतलब ह्यूमन लाइफ की पूरी स्टडी जब करोगे, ऑल एस्पेक्ट की स्टडी करोगे, उनको अंडरस्टैंड करोगे, तो ही हिस्ट्री राइटिंग हो सकती है। वोल्टेयर का कहना यह था। सो दैट इज मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के फाउंडर। बट यहां पर हम लोग जब देखते हैं जॉर्ज विलियम हेगल की बात करते हैं, तो जॉर्ज विलियम हेगल ने क्या किया, हिस्ट्री की पूरी स्टडी को लॉजिकल मैनर में लिया, ठीक है, यानी कि हर चीज को लॉजिकल मैनर में स्टडी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पूरा आंसर्स मिलेगा, ऐसा मानना है हेगल का, ठीक है। सो कलेक्शन ऑफ लेक्चर, कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स, जो भी लेक्चर्स और आर्टिकल्स जो हेगल के हैं वो सब जब प्रिंट किए गए तो एक बुक बनाई गई, दैट इज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस, उसे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस बुक कहते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर ऑल, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस। ये बुक के जो इनके पूरे जो रिसर्च है वो सारे के सारे इस बुक में है, एंड दैट इज वेरी हेल्पफुल बुक फॉर नाउ टाइम पीरियड तक भी वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसके बाद इनकी एक और बहुत ही फेमस बुक है, दैट इज रीजंस इन हिस्ट्री। सो ओके गाइस, रीजंस इन हिस्ट्री ये कैसे आया, तो इसका भी मेन रीजन यही हो जाता है कि इन्होंने सारी चीजें क्या की, लॉजिकल मैनर में किया, और जब भी लॉजिकल होगी तो रीजनिंग आ जाता है। तो रीजंस इन हिस्ट्री मतलब हिस्ट्रीज के पीछे के रीजंस वो कैसे मिले हैं, लॉजिकल मैनर में जब इन्होंने स्टडी की तब मिले हैं, ठीक है। सो लॉजिकली मैनर में जब ये स्टडी करते थे तो इन्हें जब स्टडी करते करते क्या हो गया, एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल इन्होंने दिया जो कि पूरी दुनिया में आज भी माना जाता है, दैट इज ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ एनी इवेंट। किसी भी इवेंट की मीनिंग जाननी है सो हैपन इन टर्म्स ऑफ टू डायरेक्ट अपोजिट्स, ठीक है। कभी भी किसी भी चीज की मीनिंग जाननी है तो टू डायरेक्ट अपोजिट से ही मिलेगी। मीन्स अगर जब भी गुड है सो बैड भी होगा ही, जब जब भी ट्रू है तो फॉल्स भी होगा ही। तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, जब आप ट्रू की स्टडी कर रहे हो आपको फॉल्स की स्टडी भी करनी जरूरी है, तो ही आप उसका मीनिंग समझ पाओगे। सो दैट्स व्हाई इन्होंने लॉजिकल मैनर पे पूरा पूरा फोकस किया, और अकॉर्डिंग टू हेगल जो है ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ एनी इवेंट हैपन इन टर्म्स ऑफ टू डायरेक्ट अपोजिट्स। सो इसी के ऊपर इनकी स्टडी हुई, जिसके ऊपर आगे जाके हाइपोथेसिस हुए, अलग अलग थेसिस बने। सो ये पूरी पूरी स्टडीज जो बेस्ड है हेगल के ऊपर ही बेस्ड है। हाइपोथेसिस की स्टडी भी जो हम लोग करते हैं मैथ्स के अंदर करते हैं, आने वाले टाइम्स में जब स्टैटिकल आपको आएगी एक अलग से सब्जेक्ट तब हम लोग करेंगे। सो ये सारी चीजें जब स्टडी में होती है तो वो जो स्टैटिक्स पार्ट आता है दैट पूरा डिपेंड होता है हेगल के ऊपर। सो हेगल ने क्या किया है, लॉजिकल मैनर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया, ठीक है। सो दैट्स व्हाट द हेगल का कंट्रीब्यूशन फॉर द हिस्ट्री। सो दे आर द थ्री इंपॉर्टेंट नोटेबल स्कॉलर इन द हिस्ट्री, और कौन से है देखते हैं।